जीआरपी मथुरा जंक्शन द्वारा नोटों के जालसाजी करने वाले संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से 1,50,000 रुपये के जाली नोट और नोट छापने का सिक्योरिटी पेपर भी बरामद किया गया था। पुलिस अधीक्षक जीआरपी मोहम्मद मुस्ताक एवं पुलिस उपाध्यक्ष रेलवे के निर्देशन में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं अवैध तस्करी की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था कि तभी मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को मथुरा रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 जाली नोटों का अवैध कारोबार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जीआरपी पुलिस के द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों के आवास से जाली नोट छापने की भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद किए गए हैं, जिसके साथ सिक्योरिटी थ्रेड का रोल, 1 कंप्यूटर, 1 UPS, 1 प्रिंटर हाई क्लास 4th स्टेट की बड़ी मशीन, लैमिनेशन मशीन, पंचिंग मशीन, पेपर कटर, फैक्सिंग लाइटर, लकड़ी के फ्रेम बोर्ड, लकड़ी एवं 5,500 के 42 जाली नोट एवं अन्य अर्थ निर्मित जाली नोट भी बरामद किए गए हैं। खुलासे के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक जीआरपी मोहम्मद मुस्ताक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, 2 दिन पहले एक नकली नोटों के पूरा एक जो संगठित गिरोह था उसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था। उसी प्रकरण में जो मेन इसका एक सरगना जो बनारस का रहने वाला था, जिसका नाम रौनक उर्फ मुकेश है, जिसके ऊपर हम लोगों ने 25,000 का इनाम भी किया था, उसकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है। जब इसकी गिरफ्तारी बनारस की पुलिस ने जो है इसमें बड़ा अच्छा हमारा सहयोग किया था, उनकी और हमारी दोनों टीमों के संयुक्त प्रयास से ये व्यक्ति गिरफ्तार हो पाया। जब इसको हमने गिरफ्तार किया तो हमें पता चला कि इसके द्वारा बड़े स्तर पर जो छपाई का कार्य जो है वो किया जा रहा था बनारस में, और उसमें जिस भी उपकरण का इस्तेमाल कर रहा था छपाई में, वो सारे उपकरण भी बरामद जो है वो हुए हैं, जिसमें फोटो स्टेट मशीन है, लेमिनेशन मशीन है, पंचिंग मशीन है, सिक्योरिटी थ्रेड का जो रोल है वो भी है वहाँ पे, और इसके अलावा बहुत सारे इंक जो हैं वो भी हमें बरामद हुए हैं वहाँ पे। तो ये सारा जो है उसको सीज किया गया है और इसको गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है। जो इससे बातचीत हुई है उसमें जो हमें पता चला कि चाइना की जो कंपनी है जिसने सिक्योरिटी पेपर जो है वो उससे ये लोग खरीदते थे, इसके अलावे भी इनके द्वारा सिक्योरिटी थ्रेड का भी रोल बंडल मंगा करके उसका भी ये लोग बनाते थे। सिक्योरिटी थ्रेड को अपना जो सिक्योरिटी पेपर है उस पर भी ये लोग बनाते थे, तो ये दोनों तरीके से काम कर रहे थे। एक पेपर भी बना बनाया चाइना से मंगा रहे थे, साथ ही जो सिक्योरिटी थ्रेड है उसको भी ये लोग अपने स्तर से भी बनाने का प्रयास कर रहे थे। और इनके जो गिरोह के लोग हैं वो हरियाणा के भी हैं, कुछ राजस्थान के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ मुंबई के हैं। तो जो भी इनके द्वारा जो बताया गया है उन सभी को चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ भी जीआरपी के द्वारा जो है कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये थी मथुरा से हमारे संवाददाता अनुजित शर्मा की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।